सो फ्रेंड, तो आगे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कीजिए 15 अगस्त ब्लॉग फोटो एडिटिंग। अगर लोग कुछ टाइप से एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो से नेक्स्ट क्लास देखना। आप लोग जो कुछ टाइप के एडिटिंग जो इजली कर पाए, ठीक है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो आपसे लाइक कर दो। इस वीडियो चैनल में नया तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो हम जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम चूज़ है पिक्सेल एप्लीकेशन के अंदर। तो पिक्सेल एप्लीकेशन आने के बाद जो सबसे आपको बैकग्राउंड को ऐड करना होता है, और इस बार बैकग्राउंड को मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और सिंपली जो आपको यहाँ से जो आपको ऐड फोटो पर सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। हम जो ऐड फोटो पर है सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको मैं इस वाले पिंस का लिंक दे दूंगा, ठीक है। जितना भी पिंस यूज़ करूँगा सारा का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ से जो हम जो है यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर इसको रख देंगे, और अभी से इसका जो है हम जो है इसका ओपेसिटी को कम कर लेते हैं, ठीक है। ओपेसिटी को इस टाइप से कम कर लेते हैं, इसके इस टाइप से रख लेते हैं। फिर से हम ऐड फोटो पर जाना है, ठीक है। और अभी जो अपना मॉडल को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने मॉडल को जो ऑलरेडी बैकग्राउंड को इरेज कर लिया, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया था बैकग्राउंड को कैसे इरेज करना है, ठीक है। आप लोग उस वाले वीडियो को देख के जो है यहाँ पर बैकग्राउंड को अच्छे से इरेज कर सकते हो, उस वाले वीडियो को देखना ज़रूर। इस टाइप से जो अपने मॉडल को यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। मैं जो इस टाइप से सेट कर लेता हूँ, ठीक है, अपने फोटो के हिसाब से। इस टाइप से बहुत ही मस्त लगे जैसे, ठीक है। मैं इस टाइप से कर लूँगा। और अभी देख सकते हो मैं इसका जो है थोड़ा ऊपर कर लूँगा, ठीक है। इस टाइप से रख लेते हैं, और इसको भी इस टाइप से, ठीक है। और अभी जो इसको डन कर लेना, ठीक है। तो डन करने बाद जो है सबसे आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक कर लेना, ठीक है। ऐड फोटो पर क्लिक करने बाद जो है और आपको यहाँ पर पेंसिल सबको ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम जो इस वाले पेंसिल से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इस वाले पेंसिल को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से जो इसके फोटो को जो है एक हाथों पर रख देना, ठीक है। और एक फेस पर रख देना कुछ टाइप से, और इसका जो हम डुबले लेयर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हम फेस पर भी एक रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस फोटो को, पेंसिल को, ठीक है। और अभी जो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्लेंडिंग पर जाएंगे और इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग पर जाना है और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। और इसको जो अभी जिसको डन कर लेना है, और फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना है, और भी आपको पेंसिल मिलेगा यहाँ पर। इस वाले पेंसिल को ऐड करना है, ठीक है। और अभी जो आपको इस फोटो इस टाइप से जूम कर लेना है, इस टाइप से बड़ा कर लेना है, और इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेना है, ठीक है। जिस टाइप से अच्छा लगे उस टाइप से कर लेना, मैं इस टाइप से कर लूँगा, ठीक है। और अभी इसको डन कर लेना है, फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना है, और अभी जो आपको इस वाले पेंसिल को ऐड करना होगा, ठीक है। इस वाले पेंसिल को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और अभी देख सकते हो फोटो कितना अच्छा लगा है। अभी जो फिर से आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और अभी जो आपको इस वाले पेंसिल को अभी ऐड करना है, ठीक है। और हम जो अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है, और इस टाइप से बड़ा कर लेंगे, इस टाइप से यहाँ पर रख देंगे। और अभी जो उसको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने बाद जो यहाँ पर जो है आपको इस वाले अब जो है इंडिपेंडेंट डे का जो है टेक्स्ट है ना, उसे उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने बाद इस टाइप से रख देना, ठीक है, या फिर इस टाइप से रख लेना। और अभी जो इसको डन कर लेना है, और आपको एक और एक पेंसिल मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले पेंसिल को भी ऐड करना, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है इस वाले पेंसिल को भी। अभी इसको यहाँ पर रख देना, और इसका जो डुप्लीकेट बना लेना, ठीक है, और एक इस टाइप से इसको रख देना, ठीक है। और मैंने आपको जो बैकग्राउंड चेंज का जो और भी बता दिया, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और यहाँ से भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो जो पिक्सेल के अंदर एक क्लिक के अंदर जो कर सकते हो, ठीक है। अब जो है कर लेना, अभी देख सकते हो फोटो कितना अच्छा लग रहा है। बस आपको जो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कलर का एडजस्टमेंट करना बाकी है, ठीक है। और जो हम लाइटरूम एप्लीकेशन है उसको कर लेंगे, ठीक है, इसको डन कर लेंगे अभी। और अभी इसको सेव करके जो लाइटरूम एप्लीकेशन इस फोटो को शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम चूज़ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में जो सबसे आपको लाइट्स पर क्लिक करना होगा, ठीक है, और एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा देना। और अभी जो आपको कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेना, ठीक है, हम कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेते हैं। हाईलाइट्स को जो हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देना, इसके शेयर को जो है ना शेयर को भी हल्का सा बढ़ा देना, ब्लैक को कम कर लेना, ठीक है, और इसके जो व्हाइट्स को हल्का सा बढ़ा देना, ठीक है, और इसको ऐसे बैक कर लेना। अभी आपको कलर्स पर क्लिक करना होगा, और आपको मिक्स पर क्लिक करना होगा, और सबसे पहले इसका जो है शेडिंग को हल्का सा बढ़ा लेना, और इसके नेमेनिस को भी, ठीक है, और दूसरे कलर को सेट करना। और इसका जो है आपको सबसे पहले नेमेनिस को थोड़ा हल्का सा बढ़ा लेना होगा, ठीक है, इस टाइप से, और शेडिंग को हल्का सा भी बढ़ा लेना, ठीक है, इस टाइप से हम जो हल्का सा बढ़ा लेते हैं। और अभी इस कलर को सेलेक्ट करना है, येलो कलर का, उसको इस थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है, हल्का सा बढ़ा लेंगे। ग्रीन का भी जो हल्का सा 6 इंच को बढ़ा देना, ठीक है। और अभी आपको ब्लू कलर पे जाना, ब्लू कलर का भी हल्का सा बढ़ा देना। और अभी जो इसको जो है इसको भी बढ़ा देंगे, और इसको ऐसे डन कर लेंगे, ठीक है।
और अभी जो आपको सिलेक्टेड लुक यूज़ करना है, ठीक है, लिप्स को कलर देने के लिए, ठीक है, अब लिप्स को कलर देने के लिए इसका जो है ट्रिक का यूज़ करना, ठीक है, हम जो ब्रश को क्लिक कर लेते हैं प्लस ब्लैकन पर और स्टेप से जो हम यहाँ पर ब्रश कर लेंगे, ठीक है, स्टेप से इसको नीचे देते हैं और अभी जो इसकी इरेज कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पर आपको चाहिए बस वहाँ पर रख देना और अभी जो इसका जो है 6 इंच का थोड़ा बड़ा लेना, ठीक है, इसका जो है लिप्स का और कलर को यहाँ से ह्यू को चेंज करके देख लेना, ठीक है, जिस टाइप से अच्छा लगे उस टाइप से कर लेना और इसको डन कर लेना और इसको आप देख सकते हो फोटो कितना मस्त लग रहा है। और आप सिर्फ फिर से आपको सेलेक्ट टूल के यूज़ करना होगा, ठीक है, और यहाँ से इस वाले ब्रश के यूज़ करना और इस टाइप से कर लेना, फिर से आपको लाइट्स पर जाना होगा, आपको लाइट्स पर जाना, एक्सपोजर को कम कर लेना इस टाइप से और इसको डन कर लेना और फिर से आपको यहाँ से जो है इफेक्ट क्लिक करना होगा और अभी जो है फिगनेट को कम कर लेना, ठीक है, और आपको टेक्सचर एंड क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा देना और आपको शार्पनेस को हल्का सा बढ़ा देना होगा, ठीक है, इस टाइप से शार्पनेस को बढ़ा देना और आपको फोटो देखना कितना मस्त लगता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना, ठीक है, वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना और इस तरह की फोटो एडिटिंग वीडियो और चाहिए तो कमेंट फुल देन मैं चले जाऊँगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मैं फोटो से रिलेटेड वीडियो हमेशा ही अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।